मतलब पनवेल के आसपास आ गए, पनवेल भी नहीं पहुंचे अभी। तो अभी क्या है ना कि वहाँ पे 500 रुपए का भरवाया था, तो वो उस बाइक के साथ चली गई क्योंकि वो पाइप से खींच रहे थे तो नीचे नहीं आ रहा था वो। तो उन्होंने कहा कि 500 रुपए एडजस्ट कर देंगे, आपको वापस कर देंगे, तो फिर इसमें फिर 500 रुपए के पेट्रोल डलवा रहे हैं। बैग ने तो बिल्कुल हालत ख़राब कर दी है भाई, और पीछे लटका रहा हो ना, पीछे खींच रहा है, खींचने के वजह से ना ये सारे इसमें ना बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो ये कंधा तो गया, तो इसलिए रुक रुक के जा रहे हैं। पहुंचना है वहां पे नहीं पहुंचे हैं, अभी बज गए 2:30। तो भाई पानी वानी नहीं पिया है एकदम, मतलब ऐसा हो रहा है कि एकदम बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो फिर अभी ये पीछे होटल टाइप है, होटल कोंकण सागर है, तो यहाँ पे कुछ पानी वानी और लंच कर लेते हैं। और बप्पा ही चला रहा है, फिर मैंने शिफ्ट नहीं किया क्योंकि एक बार एक के हाथ में मतलब पिकअप आ गया है और मैं भी पीछे सेट हो गया था, तो फिर मैंने कहा जाने दो, फिर वहाँ तो मौका मिलेगा, आते वक्त मैं चला लूँगा। कोल्हापुरी ले लिया है और साथ में तंदूरी रोटी है, और यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि इतनी हैवी फाइल बन रही है, क्योंकि 60 FPS पे मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा फुटेज है, क्योंकि मूवमेंट में ना 60 FPS पे करना पड़ेगा, नहीं तो अगर 30 और 24 में करूँगा तो हैवी फाइल नहीं बनेगी, लेकिन उसमें क्या है ना तो मज़ा नहीं आएगा, वो क्वालिटी नहीं आएगी, तो 60 FPS पे कर रहा हूँ। और क्योंकि कार्ड भर रहा है, 64 GB का ही कार्ड है मेरे पास, तो इसीलिए मैं इसमें लैपटॉप में ले रहा हूँ, अपने हार्ड ड्राइव में ले रहा हूँ। और GoPro की बैटरी भी चेंज करनी है क्योंकि वो भी ख़त्म होने वाला है, तो एक नई बैटरी लगाते हैं, और उसके बाद जैसे होटल वगैरह वहाँ जो भी लेंगे तो वहाँ पे फिर पूरा चार्ज करना पड़ेगा। भाई ब्लॉगर लाइफ है, तो सबसे पहले मैंने ये काम शुरू किया है, देखो मेरा खाना रह गया, बप्पा का ख़त्म हो गया, क्योंकि ब्लॉगर लाइफ में क्या है ना पहले काम है भाई, क्योंकि इतनी मेहनत की गई है कि पहले उसको सेव किया जाए और उसके बाद खाना पीना चलेगा, क्योंकि अगर वहाँ कुछ करप्ट हो गया तो फिर लग गए, फिर तो मतलब इतनी मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। चलो फटाफट खा लेते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। और अभी खाना पीना हो गया और सारा डेटा वगैरह मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, और अभी क्या हुआ 4:10 है, मतलब पूरा दिन ही गया यार, 2 घंटे बाइक मतलब ख़राब होने की वजह से गए, फिर घर से हम लोग 2-3 घंटे लेट निकले, तो यहाँ से 50 किलोमीटर और है, 40 से 50 किलोमीटर, मुझे लग रहा है कि 1 घंटा 5 साढ़े 5 पता नहीं सनसेट देखने को मिलेगा भी या नहीं। होटल बुक हो गया है। खाना वाना कैसा लगा? बढ़िया था, खाना बढ़िया था, लोग भी बढ़िया थे, बहुत ही मज़ा आ गया, कोंकणी खाना भी बढ़िया था, थोड़ा स्पाइसी था लेकिन मस्त और अफोर्डेबल, सस्ते बढ़िया खाना। थोड़ा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, और वो जो बैग है ना भैया, बैग ने तो पूरी जर्नी की ऐसी की तैसी कर दी है, इतना भारी है कि पीछे ऐसे खींच रहा है, तो कंधा पूरा पीछे की तरफ जा रहा है, और ऊपर से फिर शूट भी करना पड़ रहा है, तो फिर और पुट्ठे तो ऐसे दर्द हो रहे हैं ना क्योंकि भारी के मारे, तो उस बैग ने तो कर दिया कांड, अभी जाते वक्त भी इतना ढोके लेके जाना पड़ेगा। तो उसमें गर्म कपड़े वगैरह थे, हम लोग जैकेट वैकेट लेके आए थे कि सुबह शायद ठंड लगेगी, लेकिन सुबह आना नहीं हुआ, और अभी पता नहीं रात को काम आएगा या नहीं, यहाँ पे ठंड है या नहीं पता नहीं। बस अभी छाछ लिया, मैं छाछ लिया और बप्पा लस्सी पी रहा है। आधा घंटा रह गया, हम लोग अलीबाग पहुँचने वाले हैं आधा घंटे में, अभी देखते हैं कल एकदम सुबह सुबह उठेंगे और उसके बाद देखते हैं कल कितना देर इंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि बाइक हमें रात के 10 बजे तक लौटानी है, तो है पूरा दिन है हमारे पास।
We're falling like stars. और ये देखो इस तरह का है, होम कॉटेज ही है, होम स्टे है एक तरह का। तो भाई बहुत दिनों बाद सुपारी के पेड़ देखे हैं यार मैंने। नारियल के तो है, सुपारी के भी है, तो आसाम की याद आ गई सुपारी के पेड़ देख के। कमरा देख लो एक बार, एकदम सिंपल सा है, दो बेड है और नीचे ये गद्दे वद्दे रखे हुए हैं, तो एक गद्दा हम लोग नीचे लगा लेंगे यहाँ पे, एक ऊपर सो जाएगा। और बहुत सिंपल सा है और हमें मतलब बजट में ही करना था, कोई वो नहीं करना है, हमें शोशा करके तो करना नहीं है, एक ही रात रुकना है और बाथरूम जो साफ सुथरा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि फटाफट जाएं, अभी भी शायद सनसेट मिल जाए हम लोगों को, तो फटाफट बीच में जाते हैं और देखते हैं कुछ शूट कर पाते हैं या नहीं। मेमोरी कार्ड भी भर रहा है तो उसको भी खाली करना पड़ेगा, तो अभी ये है कि फटाफट भागते हैं। और ये एक्चुअली अलीबाग नहीं है, अलीबाग से थोड़ा सा आउटर में है क्योंकि यहाँ पे सस्ता है, और मेन अलीबाग यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर की तरफ है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई अपने पास गाड़ी है, बाइक है, तो फिर थोड़ा आउटर में रुकते हैं, भीड़ भाड़ में रुक के तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा आउटर में है। ऐसा नहीं है कि बीच के लिए अलीबाग जाना है, तो बगल में ही बीच है। आसाम में भी ऐसा ही है कि सुपारी के पेड़ वगैरह लगे होते हैं, नारियल के पेड़ लगे होते हैं, ऐसा लग रहा है कि आसाम में आ गया, ऐसा नहीं लग रहा आसाम में आ गया, ऐसे लग रहा है। और घर का स्ट्रक्चर भी वैसा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो गांव में होता ना, और ये वाले पत्ते आसाम में भी है, ये जो रंग बिरंगे पत्ते वाले, ये जो तो हम लोग देखो फ्री स्टाइल आ गया, चप्पल में आ गया, और ये तो शॉर्ट्स वगैरह में आ गया कि बीच सामने ही है, लेकिन सनसेट तो हो गया है, एकदम हो ही गया देखो वो सामने, तो हम लोग सिर्फ 15 मिनट के लिए लेट हो गए। देखो एकदम मैजिक आवर हो रखा है, और वो 15 मिनट बच सकता था क्योंकि हम गलत चले गए किसी और गली में, इतनी गलियां हैं ना यहाँ पे, हर गली में एक एक लॉज है, तो उस चक्कर में ना फिर गलत घूम गए, नई जगह है ना, फर्स्ट ऐसे ही होता है एक्सपीरियंस। और ये देखो ये फूल भी आसाम में होते हैं, एकदम सेम टू सेम है यार, और वो जो दिख रहा है ना पूरा हैज टाइप बना हुआ है, वो पर्पल कलर का फूल है, तो वो भी है यार, मुझे ऐसा लग रहा है आसाम की गलियों में मैं घूम रहा हूँ। ये वाला फूल है ना, ये वाला आसाम में भी हर घर में मिल जाता है, ये भी हर घर में मिल जाएगा सदाबहार के फूल। इस तरह की गलियां हैं और हर गली में अपने अपने कॉटेज बना रखा है लोगों ने। सनसेट अभी भी बाकी है, चलो चलो। तो माता रानी ये कह रही है कि लेट नहीं हुआ, अभी भी 5 मिनट है, जाके देख लो। तो देखते हैं कि पहुंचते पहुंचते शायद थोड़ी सी झलक मिल जाए सनसेट के। पार्किंग के लिए भी जगह है यहाँ पे, इस तरह के सारे खाने के लिए, और फिश है, और ज्यादा से ज्यादा कोंकणी डिश या गोवन डिश जो मिलती है। भाई बच गया बच गया बच गया, क्या बीच है क्या नहीं है वो बाद में देखेंगे, पहले सनसेट हम कैप्चर करते हैं। यहाँ पे मैं एक टाइम लैप्स लगा देता हूँ एक सबसे पहले, और देखो सामने बस जाने ही वाला है, मेरा मेमोरी फुल हो गई यार, मैं फोन से कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइम लैप्स लगा दिया है। और ब्लॉगर लाइफ में क्या है ना, थोड़े एक्स्ट्रा रखने चाहिए, तो अभी क्या हुआ कि मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं थे क्या मेमोरी कार्ड, तो फिर वो फुल हो चुका था, तो अभी मैंने डिलीट किया, डिलीट करते करते सूरज और नीचे डूब गया, और ये मोबाइल भी अभी जाने वाला है, तो बस मोबाइल से कर रहा हूँ कि इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि थोड़ा डिलीट डिलीट करके पुराना, तो फिर मैं टाइम लैप्स ले रहा हूँ। जो ये टाइम लैप्स आप देखोगे तो ये वैसा है कि इमरजेंसी में लिया गया है, कि दूसरा कार्ड नहीं है तो फिर एक एक्स्ट्रा कार्ड लेना पड़ेगा मुझे, और तो उस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो वो एक्सपीरियंस होता है, घर में तो चल जाता है कि आप लैपटॉप में लगा लेते हो, खाली कर लेते हो, लेकिन जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको टाइम नहीं मिलता। तब मैंने खाने खाने के टाइम मैंने कॉपी तो कर लिया था, लेकिन इतना टाइम लग रहा था कि मैं जल्दीबाजी में उसको डिलीट नहीं करना चाहता था, जल्दीबाजी में डिलीट करता तो फिर हो सकता था कि जो शूट किया हुआ है वो डिलीट हो जाए, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो अभी मैंने 4-5 क्लिप जो घर में मैंने शूट किए हुए थे वो मैंने डिलीट किया है, तो अभी मैंने लगाया ये। और ये देखो यहाँ पे टाइम लैप्स हो रहा है, माता रानी ने पहुँचा दिया, भोलेनाथ ने पहुँचा दिया, आंखों से तो देख लिया लेकिन आप लोगों को शायद नहीं दिखा पाया, लेकिन अभी टाइम लैप्स लगाया हुआ, देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिलेगा शायद। तो 64 GB भी कम पड़ रहा है यार,
और एक और लेनी पड़ेगी अगर ऐसे बाहर ट्रेवल करते हैं। कंधे की वाट लग चुकी है मेरी, फिर भी मैं शूट करता हुआ आया हूँ। जो भी आपने शॉट देखे हैं, पेन हो रहा था लेकिन मैं शूट कर रहा था कि भाई बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है, तो मौका मिला है तो चौका मार दो, तो उस तरह से किया है। तो अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना, और बेल बटन तो बचा के ही रखना। तो ये कहाँ ख़त्म होगा पता नहीं है मुझे, तो मैं टू भी कंटिन्यूड करके, ये जितना भी छपेगा टू भी कंटिन्यूड करके मैं चलाने की कोशिश करूँगा। यहाँ घोड़ा गाड़ी चल रहा है, यहाँ पे ऊँट है, और ये बाइक वगैरह बहुत शोर मचा रही है यार ये बाइक तो।